मैं सैयद जीशान एडवोकेट चेयरमैन हक इंसाफ काउंसिल, आज आपके दरमियान आने का सादत हासिल हुई है वो इसलिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, जो अपनी औकात भूल चुके हैं और वो किसी तरह की भी स्टेटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के बारे में देते हैं, जिनका कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। और बदकिस्मती से जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रियासत जम्मू कश्मीर में बनी थी उस वक्त उनको भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया था। उसके बाद वक्तन फवक्तन उनके खिलाफ इल्जाम आयद होते रहे, उनके खिलाफ माइनिंग के वो एक बहुत बड़े जो ठेकेदार थे जो इलीगल माइनिंग करते थे और उसमें अनकुर सचदेव एक डीएमओ थे डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर माइंस मिनरल्स ऑफिसर जम्मू, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन भी इनिशिएट किया था और उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलते हुए जितेंद्र सिंह को भी नहीं छोड़ा था और जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी इल्जाम आयद किए थे, जिसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनके अगेंस्ट हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में जो है उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया था और उन्होंने माफी मांगी थी और माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब उन्होंने एक बार फिर माफी मांगेंगे वो कल, मुझे यकीन है पूरा, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर हमारी माओं की इज्जत को, बहनों की इज्जत को तार तार करने के साथ साथ एक पर्टिकुलर रिलीजन की इज्जत को, हमारी हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। मैं गुजारिश करता हूं डीजीपी दिलबाग सिंह से कि अगर पुलिस जो है वो हमारे लिए अवाम के लिए है तो सेक्शन 153A में फौरी तौर पर जो है एक्स एमएलसी विक्रम रंधावा के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कीजिए और शाम को यह न्यूज आप ही लोगों के चैनल्स के माध्यम से आए कि विक्रम रंधावा को अरेस्ट करके जो है वो पुलिस स्टेशन में लाया गया है और कल इंशाल्लाह हम 153A की एप्लीकेशन जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में यहाँ देंगे। और हम ये चाहते हैं, मैं कश्मीर की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पे भी फैयाज इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स एडमिशन फॉर ऑल कोर्सेज इन टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, special guidance for MD, MS, MBBS in government and private medical colleges and universities of India. Besides this, MBBS in China, Pakistan, Bangladesh, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and many more countries. Also, contact for engineering, management, pharmacy, nursing and other paramedical courses. Affordable packages and scholarships are available. Contact Fayaz International, Abiguzar Lane, Lal Chowk, Srinagar, 17AC, Gandhinagar, Jammu. Or dial 94190-422-98, 94191-21092. भी रहते हैं। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमें चाहिए कि अब हम इसके खिलाफ एप्लीकेशंस लेके हर पुलिस स्टेशन में जाएं और डिमांड करें एफआईआर सेक्शन 153A में। और जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अब खामोश मत रहिए। भारतीय जनता पार्टी इज मर्डरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका लड़ाई जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदुस्तान के किसान के साथ भी है, हिंदुस्तान के नौजवान के साथ भी है, हिंदुस्तान के जवान के साथ भी है। और जिस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं और लड़वा रहे हैं, मुझे लगता है जमहूरियत जमूर की मंशा का नाम होता है, विक्रम रंधावा की शक्ल का नाम जमहूरियत नहीं है। और रविंद्र रैना और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको ये क्लियर करना चाहिए उनका स्टैंड कि जो स्टेटमेंट विक्रम रंधावा का है क्या ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है या नहीं है। शुक्रिया।